लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर बिजनौर के चांदपुर से है। कुछ दिन पूर्व चिकित्सा विभाग द्वारा छोला छाप चिकित्सक पर की गई कार्रवाई की खबर न्यूज चैनल पर चलाने पर छोला छाप चिकित्सकों ने की पत्रकार के साथ मारपीट और जान से मारने की दी धमकी। दरअसल ये पूरी घटना जिला बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र की है। आज सुबह पत्रकार मोहम्मद रहमान किसी कार्य से ग्राम रसूलपुर नंगला में किसी कार्य से अपने एक साथी के साथ गए थे। जैसे ही वे ग्राम रसूलपुर नंगला में पहुंचे तो वहां पर मौजूद छोला छाप चिकित्सक डॉक्टर वरम और डॉक्टर नागर ने पत्रकार की बाइक को रोककर बदसलूकी करने शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई छापेमारी में ग्राम रसूलपुर नंगला में स्थित भारत नर्सिंग होम पर छापामारी की खबर न्यूज चैनल पर चलाई गई थी, जिसको लेकर आज पत्रकार के साथ छोला छाप चिकित्सकों ने पत्रकार से बदसलूकी की है। पीड़ित पत्रकार ने डॉक्टर बरम और डॉक्टर नागर के विरुद्ध पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। समाचार गृह के लिए चांदपुर से तारिक शेख की रिपोर्ट। क्या नाम आपको? मेरा नाम मोहम्मद रहमान है। जी रहमान भाई, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं एक न्यूज़ चैनल से ब्यूरो चीफ हूँ, बिजनौर से कस्बा बास्टा का निवासी हूँ। आज सुबह मैं ग्राम रसूलपुर नगला किसी कार्य से अपने एक पत्रकार साथी के साथ गया था, जहाँ पर पहले से ही दो चिकित्सक जो फर्जी क्लिनिक चलाते हैं उनके साथ में और दो चिकित्सक थे, उनको मैं नहीं जानता। उन्होंने मेरा रास्ता रोका। अभी दो तीन दिन पूर्व जो है डॉक्टर के पी सिंह द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर वो मुझसे रंजिश रखते थे। खबर हमारे यहाँ चैनल पर चली थी। उन्होंने आज मुझे पकड़ के मेरे साथ हाथापाई और बदसलूकी की और उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। अब फिलहाल हम यहाँ थाने आए थे, उन लोगों के विरुद्ध हमने एक तहरीर दे दी है। अब इसमें देखो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। यार इसका मतलब वो चिकित्सक जो आपसे नाराज़ थे, क्या आपके खबर चलाने की वजह से नाराज़ थी? हमारे यहाँ चैनल पर उनकी खबर चली थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से आपको मिला? पुलिस कोतवाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है, दिखवा लेता हूँ।